નમસ્કાર, એક્ઝોટિક વેબિનિયા ડિજિટલ ચેનલમાં આપ સૌ દર્શકોનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. આજ અમારે સાથ જુડે હે સ્ટુડિયો મેં ભવ્ય જ્યોતિ ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ કે ફાઉન્ડર ઓર ટ્રસ્ટી. સબસે પહેલે મેં જો હમારે સાથ જુડે હૈ ફાઉન્ડર વો હૈ દેવાંગ જૈનજી. દેવાંગજી, આપકા મેં સ્વાગત કરતી હું હમારે સ્ટુડિયો મેં. સાથ મેં ઉનકે સાથ જો ટ્રસ્ટી હૈ રાજેન્દ્રજી, રાજેન્દ્રજી આપકા ભી સ્વાગત હૈ. ઓર ઉનકે સાથ મેં હૈ જો હૈ રજનીકાંતજી, આપકા ભી મેં સ્વાગત કરતી હું. આજ હમ બાત કરને વાલે હૈ યે જો હમારે સાથ જુડે હૈ ફાઉન્ડર ઓર ટ્રસ્ટી, જો ભવ્ય જ્યોતિ ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ કે જો ફાઉન્ડર એન્ડ ટ્રસ્ટી હૈ. લેકિન યે સંસ્થા જો હૈ વો ક્યા કાર્ય કરતી હૈ ઓર આગે ચલ કે વો ક્યા કાર્ય કરને વાલી હૈ, ક્યા ક્યા પ્રવૃત્તિયા કરને વાલી હૈ ઓર કૈસે કરને વાલી હૈ ઉસકે બારે મેં હમ આજ બાત કરેંગે. તો સબસે પહેલે મેં સંસ્થા કે જો ફાઉન્ડર હૈ દેવાંગજી ઉનસે બાત કરના ચાહતી હું. દેવાંગજી, આપકે આપ ફાઉન્ડર હૈ તો સબસે પહેલે યે સંસ્થા આપને કબ શુરુ કી, કૈસે શુરુ કી ઓર કોનસે ઈયર મેં આપને યે સંસ્થા કો શુરુ કિયા? જય જીનેન્દ્ર. સબસે પહેલે મેડમ મેં આપકો બતા દું, યે સબસે પહેલે મેરે ફાધર જો ભરતભાઈ જૈન, ઇનકા યે વિચાર થા કે હમકો મતલબ સમાજ કે કલ્યાણ કે લિયે કામ કરના હૈ. ઉસકે બાદ યે વાત વિચાર હો કે કરીબન 10 સાલ હો ચુકે હૈ ઓર હમને 2 સાલ સે પહેલે યે સમાજ કે કલ્યાણ કે લિયે યે સંસ્થા કા સ્થાપન કિયા હૈ. ઓર હમ यानी कि मैं खुद देवांग जैन जी, हमारे छोटे भाई राजेंद्र जैन जी हमारे साथ जुड़े हुए, हमारे रद्दीगंज भाई शाह, इनके साथ जी दिनेश जी, इनके साथ हमारे जुड़े हुए किशोर कुमार जैन जी, इनके साथ जुड़े हुए काजल जैन और भूमिका जैन जी, और काफ़ी सारे ऐसे ट्रस्टी है जो जुड़े हुए हैं लेकिन उनका नाम वो बोलते कि हमारा नाम नहीं आना चाहिए क्योंकि हमारे में कहते हैं कि जो काम करो ऐसा करो जो पता ना चले जी, और समाज कल्याण के लिए नाम देना जरूरी नहीं है. बिल्कुल जी जी, मतलब आपके साथ ये जो लोग जुड़े हैं वो भी आपके साथ जब संस्था की शुरुआत हुई तब से जुड़े हैं या थोड़े थोड़े समय के बाद में जुड़े, क्या कैसे रहा? सबसे पहले ये मतलब मैं खुद मेरे फादर के विचार से मतलब मैं प्रेरित हुआ था. सबसे पहले मैंने अपने छोटे भाई से ये बात करी जी. उनके बाद हमने हमारे खुद के जो परिवार है जी, हमारे खुद के परिवार में ये बात डाली कि हमें मतलब ये संस्था चालू करनी है, हमें कुछ ऐसा काम करना है जिसे मतलब समाज का कल्याण हो, समाज में जो मतलब लोग हैं जो नहीं कर पा रहे हैं, जिन जो मतलब एक शिक्षण नहीं ले पा रहे हैं, जो अच्छे से अच्छा काम नहीं कर पा रहे हैं, हमें उनके लिए काम करना है जी. तो पहले तो यस श्योर हम लोग और हमारी फैमिली जुड़ी, उनके बाद हमारे साथ में रजनीकांत भाई जुड़े और अच्छे अच्छे लोग और भी जुड़े जी. मतलब आपने संस्था की जब शुरुआत की तो आप सबसे पहले आपके पापा की प्रेरणा से आपने ये संस्था शुरू करने का विचार किया. यस, बहुत ही अच्छी बात है. आज के जो यंग जनरेशन है उनको ऐसा विचार आए तो आपने जैसा काम जो कर रहे हो, आप लोग जो काम कर रहे हो, वैसी ही प्रेरणा और हमारे यंग जनरेशन को आज मिलेगी क्योंकि आपके जैसा काम वो लोग भी करेंगे तो हमारे समाज को बहुत कुछ मिल सकता है. सो आगे चलते हैं तो मैं जानना चाहूँगी कि हमारे साथ जो आपके जो ट्रस्टी भी जुड़े हुए हैं तो आपके साथ रश्मिकांत भाई है और राजेंद्र भाई जी है, तो उनको आपने क्या क्या काम दिया है इस संस्था के लिए, क्या कर रहे हैं वो आपके लिए? रश्मिकांत भाई टोटली हमारा कोई मतलब ये फिक्स नहीं है कि कोई एक आदमी एक ही काम करेगा जी. जैसे अकाउंट सेक्शन है तो हमारे रश्मिकांत भाई देखते हैं जी, और बाकी नॉर्मली हर कोई फील्ड में हम सारे मतलब मिल के काम करते हैं जी. जैसे अब हमको मतलब कहीं मतलब जैसे वृद्धाश्रम में जाना है तो हम लोग सब मिल के जाते हैं, ऐसा कोई नहीं है कि कोई एक आदमी जाएगा या कोई एक ट्रस्टी जाएगा या कोई एक कर्मचारी जाएगा जी. सो हम मिल के काम करते हैं
जैसे कि हमारे मन को एक आनंद आता है। बहुत ही अच्छी बात है। संस्था शुरू होने के बाद में आपने जो बोलते हैं कि प्रथम कार्य, फर्स्ट ऐसा काम आपने क्या किया? संस्था जुड़ने के साथ में हमने सबसे पहले समाज के लिए आपने क्या किया, फर्स्ट ऐसा काम क्या किया? मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, सबसे पहले हमने देखा कि यहाँ पे नॉर्मली अपने भारत देश में जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको अपने जो बेटे हैं या जो मतलब अपने बेटे बेटिया है जो भी है उन्होंने मतलब एक तरीके से मतलब उनको साथ सरकार नहीं मिल रहा है, वो एक जो मतलब घर में से बाहर निकाल देना या छोड़ के अलग चले जाना, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा हो रही है अपने भारत देश में। तो उस चीज के वजह से मैंने ये सोचा कि हम लोग सबसे पहले काम करेंगे वृद्धाश्रम से। हम वहां पे गए, उनके साथ में टाइम स्पेंड किया, सबसे पहले उनको मिले, उनको समझे, उनके साथ बात करी, उनको सबसे पहले क्या चाहिए, उनको सबसे पहले चाहिए उनका मन शांत हो, उनकी बातें सुनी जाए, उनको समझा जाए, उनको परखा जाए, उससे आगे फिर हमने आगे का काम चालू किया, उनको क्या चाहिए, उनकी छोटी मोटी मदद करके उनको आगे बढ़ाने का काम मैं चालू किया। रश्मिकांत जी, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ कि आप ट्रस्ट में जुड़े हैं, तो सबसे पहले जुड़ने के बाद आपको कैसा लगा? जुड़ने के बाद ट्रस्ट इतना अच्छा काम कर रहा है, ट्रस्ट इतना अच्छा काम कर रहा है कि हमको जुड़ने के बाद वेरियस प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करने का मौका मिला, तो बहुत अच्छा लग रहा है। इसमें हर जगह पे सोशल गढ़ाघर में, बाद में भिक्षु गृह में और सब जगह अनाथाश्रम में, सब जगह पे जाके हम सबका दुख में सहभागी होते हैं, तो हमको उसमें बहुत अच्छा आनंद आ रहा है। जी, बहुत ही अच्छी बात है। आप आगे मतलब 2 साल से आप शायद जुड़े हैं इस संस्था में, तो आपने क्या क्या ऐसा कार्य किया है जो आपके लिए एक्सपीरियंस भी रहा हो और अच्छा भी रहा हो? हमने हर महीने एक एक जगह पे सामाजिक काम के लिए डिवोट करते हैं, तो हर महीने एक बार वृद्धाश्रम में जाते हैं, तो एक बार भिक्षु गृह में जाते हैं, एक बार अपना अनाथाश्रम में जाते हैं, तो उसमें जाके हर बच्चों के साथ या तो बुजुर्गों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं, थोड़ा कुछ मदद करते हैं, तो इसमें हमको बहुत अच्छा लगता है। और क्या क्या अभी तक आपने आपकी संस्था के द्वारा कार्य किए हैं? आपने सबसे पहला कार्य तो बताया कि आप वृद्धाश्रम में गए थे, लेकिन इसके बाद 2 साल में आपने ऐसे कौन से कार्य किए? इसमें हमने वृद्धाश्रम के अलावा भिक्षु गृह में, गढ़ा भिक्षु गृह में और अनाथाश्रम में और ब्लड डोनेशन कैंप में, सब जगह पे हमने थोड़ा थोड़ा डिवोशन अलग अलग जगह पे जाके किया है। जी, बहुत ही अच्छी बात है। राजेंद्र जी, आप जुड़े हैं इस संस्था के साथ, आप काफी यंग मुझे दिख रहे हो, तो आपको कैसा लग रहा है इस संस्था के साथ? बिल्कुल अच्छा लग रहा है, लोगों की सेवा करने में मजा आ रहा है, जी और यही मतलब उन लोग को यात्रा करवाते हैं तो उनके आशीर्वाद में ही हमको मजा मिल जाता है इतना, जी जो कि बेसिकली लोगों के शौक होते हैं, पर इसमें भी थोड़ा इंटरेस्ट लेना चाहिए लोगों को। जी मतलब सोशल वर्क लोगों को करना चाहिए, लोगों की बिल्कुल मदद करनी चाहिए, हम यही कहना चाहते हैं आप सबको। एक्सोटिक वेब मीडिया के सभी दर्शकों का मैं फिर से स्वागत करती हूँ, और हमारे चैनल को देखने के लिए ज़रूर से आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिएगा, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ जुड़े रहिएगा। और अभी हम और इस संस्था के बारे में जानेंगे, क्योंकि ऐसी संस्थाएं जो है मतलब ये सूरत के लिए है ये संस्था, लेकिन ये संस्था सूरत में काम कर रही है, उसके साथ उनके साथ कितने लोग जुड़े हैं और जो कार्य कर रही है उसको हम आज इसलिए बताना चाहते हैं आपको, क्योंकि हर संस्था के लिए मेन पावर होना बहुत जरूरी है, मेन पावर के साथ साथ फाइनेंस भी होना बहुत जरूरी होता है, तो ऐसा बोल सकते हैं कि फाइनेंस डिपार्टमेंट रश्मिकांत भाई संभाल रहे हैं। तो रश्मिकांत जी, ये सब मैनेज करने के लिए आप क्या करते हो?
कार्यक्रम तो सब ऑर्गेनाइज हो जाता है लेकिन बिना पैसों के कुछ नहीं हो सकता, तो आप कैसे मैनेज करते हो? अभी तो हम नॉर्मल लेवल पे काम कर रहे हैं, तो हम पूरे ट्रस्टीगण और उनके फैमिली इसके मेंबर्स के पास से जो भी सबकी इच्छा है उस हिसाब से कंट्रीब्यूशन लेके हर महीने एक प्रोग्राम हम बनाते हैं। अभी आगे बढ़ के थोड़ा वाइड लेवल पे काम करने का सोच रहे हैं, इसीलिए हम सोच रहे हैं कि कुछ ज़्यादा काम अच्छा हो जाए, इससे अच्छा काम कर सकें हम। जी, मतलब कहना यही चाहते हैं कि संस्था के पास मेन पावर, मतलब कि संस्था में जुड़ने वाले लोग बहुत ज़्यादा है, काम करने वाले भी, समाज सेवा करने वाले लोग भी बहुत है, लेकिन बिना पैसों के कुछ नहीं हो सकता है। सो ये संस्था के द्वारा मैं भी आप सबको अपील करना चाहती हूँ कि अगर आप भी कुछ समाज सेवा के लिए कार्य करना चाहते हैं, अगर आप खुद कर नहीं सकते हैं, आप पीसी है नहीं करना चाहते, लेकिन आपको समाज सेवा का कार्य करना है, तो ऐसी संस्थाओं को मदद करिए, तो इनके द्वारा आपका नाम भी हो जाएगा और आपके द्वारा जो दी गई मदद है वो ऐसे लोगों को दी जाएगी जो उनका आशीर्वाद भी आपको मिल जाएगा और आपका काम भी हो जाएगा। तो जो डोनेशन आप देना चाहते हैं उसकी डिटेल्स तो हम आपको बाद में दे देंगे कि कहाँ पे आपको कैसे डोनेशन इस संस्था को देना है, लेकिन इस संस्था के लिए हम और बात करेंगे। जो संस्था का नाम है मैं वापस एक बार बोल देती हूँ, भव्य ज्योति चैरिटेबल ट्रस्ट सूरत की ये संस्था है। और सबसे बड़ी बात है ये है कि ये संस्था में जो लोग जुड़े हैं वो सब जैन लोग हैं, मतलब पूरे जितने भी ट्रस्टी हैं, फाउंडर हैं, सब जैन हैं। लेकिन उन लोगों का एक मोटो है कि सिर्फ जैन लोग हमारे साथ नहीं जुड़े, बाकी के जो लोग हैं वो भी हमारे साथ जुड़े और आगे चल के वो जो भी कार्य करना चाहते हैं वो उनके बारे में हम बात करते हैं दिवांग जी से। देवांगी जी, आगे आप जो कुछ करना चाहते हो कि अभी आगे के वर्षों में आप क्या क्या करना चाहते हो वो बताइए। जी मैडम, मैं बताना चाहता हूँ कि आगे के वर्षों में, जैसे आप अभी 2 मिनट पहले आपने जैसे बोला कि हम सारे फाउंडर जैन हैं, जी या एग्जैक्टली मैं जानता हूँ हम फाउंडर जैन हैं, बट इसमें मैं आपको कहीं ना कहीं राइट भी करना चाहता हूँ, इसमें 1-2 जन ऐसे भी है जो मतलब नॉन जैन है लेकिन उनकी इच्छा है और हमारे साथ में रिलेशन इतने अच्छे है कि वो अपने मन से देते हैं, जो चैरिटी उनको करनी है वो अपने मन से देते हैं और आई एम वेरी हैप्पी कि वो लोग ये कर रहे हैं। और जैसे आपने बताया कि आगे का क्या प्लानिंग है, एक्चुअल में आगे का प्लानिंग ये है कि हम लोग अपने यहाँ पे जो धार्मिक यात्राएं है जो आज कहीं ना कहीं खत्म होने जा रही है, वो एक टूर के हिसाब से चलने जा रहा है, तो हम लोग उसको प्रॉपरली धार्मिक यात्रा में परिवर्तित करना चाहते हैं। और आगे के जो कोई भी यात्री है जिनके मन में मतलब इच्छा है कि हमको मतलब यात्रा करनी है, जैसे कि आप बोल सकते हो बुजुर्ग है, उनके पास में पैसे नहीं है या एक अमाउंट फिक्स है उनको कि भाई हमको इतना ही पैसा है हमारे पास में, हमको यात्रा करनी है जी। तो उस लेवल पे हम लोग यात्रा करवाएंगे जी। नेक्स्ट में आज आप जानते हो अपने सूरत में ही, हमारे सूरत में कितने लोग ऐसे हैं जो मतलब एक मतलब कारीगर वर्ग, जिनको बोल सकते हम लोग कारीगर वर्ग जी। उसमें वो काम कर रहे हैं, उनकी इच्छा है कि साल में एक बार उनको जाना है एक यात्रा करनी है, माता वैष्णो देवी के दर्शन करने हैं जी। पर वो कैसे होगा, उनके पास तो इतने पैसे ही नहीं है कि वो जा सके जी। सबसे पहले कि उनके पास जो पैसे आते हैं वो उनके बच्चों की पढ़ाई में ही चले जाते हैं, उनके घर के खर्चे में ही चले जाते जी। तो उनके पास वो जो पैसे है वो कहाँ से मतलब मैनेज करे कि हमको यात्रा करने जाना है या हमको वैष्णो देवी की एक बाधा ली है। आज हमारे पास में कुछ मेरे जहाँ पे मेरे को ध्यान है, मैं लास्ट 2 महीने से गौर कर रहा हूँ, एक आदमी मेरे पास में है, एक इंसान ऐसा है जो मेरे को बोल रहा है कि भाई साहब मेरी वैष्णो देवी की यात्रा करने की बहुत इच्छा है जी। लेकिन अब बाजार में जाओ तो वो मतलब उनको अफोर्डेबल नहीं है जी। तो रिसेंटली मैंने अभी उनको मेरे पैसों से भेजा है कि जाओ, आप जाओ, आपकी बाधा पूरी है वो करके आओ जी। ऐसे कितने लोग हो गए जो ये भाई तो मेरे साथ जुड़े हुए तो मैं उनकी मदद कर सकाऊं जी, लेकिन कितने लोग ऐसे हैं जो मेरे साथ जुड़े नहीं हैं अभी भी जी।
लेकिन हमारे माध्यम से जुड़ जाए कि आप जी सबको बोल सकते हो जी कि आप पर, सब जी आप सबसे एक अनुरोध है कि आप हमें कांटेक्ट कीजिए, अगर आपको आपके पास इतने पैसे नहीं है जो यात्रा कर पाओ तो कोई बात नहीं है, हम आपको यात्रा करवाएंगे। आप एक इंस्टॉलमेंट में पैसे जमा कर सकते हो, एक थोड़े 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 करके पैसे जमा कर सकते हो जो आपको आगे जाके उसका फल मिले, आपकी यात्रा सफल हो और देख बहुत ही सफल धार्मिक यात्रा आप कर पाओ। जी बहुत ही अच्छी बात है, ये तो हमारी हुई यात्रा की बात, लेकिन ये सब में मैं एक बात आपको पूछना भूल गई हूँ, वो मैं पूछना चाहती हूँ आपसे कि इतना सब कुछ मैंने सुना आपके ये ट्रस्ट के बारे में सुन लिया मैंने, लेकिन आप फाउंडर हो और सबसे पहले फाउंडर हो तो आपने जब संस्था की शुरुआत की तब आपको पैसों की जरूरत रही होगी, तो आप क्या करते हो और कैसे आपने सब मैनेज किया? जी मैडम मैं बताना चाहता हूँ, मेरे मेरे टूर्स एंड ट्रैवल्स का काम है जी, उसमें अच्छा काम चल रहा है, नो डाउट हमने मन साफ रखा है और एक लिमिटेड काम रखा है तो अच्छा काम चल रहा है जी, और उसमें जो मेरा मतलब बेनिफिट होता है जी, उसमें से कुछ परसेंटेज मैं अपनी संस्था को देता हूँ, जो जैसे कि मतलब मेरे फादर की इच्छा थी उनके विचार से मैंने अपना एक परसेंटेज मैंने यहाँ पे रखा हुआ है जी, और इनके साथ ही मेरे जो ट्रस्टी गण हैं हमारे जी, और इसके साथ मैं ना स्पेशली नाम लेना चाहूँगा वासा परिवार जी, हमारा जो वासा परिवार है जी, ये हमारे साथ में खास करके जुड़ा हुआ है जी, जो जिनके मतलब हम नाम ले तो दिलीप जी है, साकल चंद जी है, पोखराज जी है, बाबूलाल जी है, ये जो लोग हैं ये हमारे वासा परिवार के लोग हैं, इन्होंने खास करके हमको सपोर्ट किया है और खास करके मेरे फादर की इच्छा को सपोर्ट किया है जी, तो इनके पास से हमको जब एक फंड मिलता है तो हम आगे काम करते हैं जी जी। आगे अभी रिसेंटली आपने कुछ यात्राएं करवाई है उसके बारे में बताइए जी। अभी मैंने एक यात्रा करवाई है, एक तो आप बोल सकते हो पालीताना यात्रा है जी, जिसमें मतलब खास करके आप मैं बताऊँ तो 120 आदमी से लगा के 200 आदमी तक ने मतलब मैंने यात्रा करवाई है जी, उसमें अच्छा खासा फंडिंग हुआ है, जो मतलब जिस जो मतलब पहली बार एक्चुअल में पहली बार जो शत्रुंजय महातीर्थ की यात्रा कर रहे हैं वो इनमें जुड़े हुए हैं, और खास करके मुझे बहुत गर्व है कि मैं मतलब ऐसी शत्रुंजय महातीर्थ जो मतलब अपने जैनों में हमारे जैनों में खास करके बोला जाता है कि बहुत बड़ी यात्रा है जी। उसके बाद जैसे कि तिरुपति कन्याकुमारी रामेश्वरम की मैंने यात्रा करवाई है जी। ये भी बहुत अच्छी यात्रा कराई है मैंने जी। ऐसे ही बहुत सारी यात्रा मैं करवाता हूँ, और इसके बाद इससे पहले हम लोग ने मतलब यहाँ पे सूरत में कतारगाम क्षेत्र में एक कन्या केरवनी स्कूल है, सरकारी स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल है जी। उनकी तरफ से मुझे प्रस्ताव आया था कि आप हमारे यहाँ पे छोटा मोटा मतलब एक जो भी आपका मन चाहे, जो भी आपकी संस्था की इच्छा है, जो आपके चैरिटेबल ट्रस्ट की इच्छा है जी, वो हिसाब से आप एक छोटी मोटी कुछ हेल्प कर सकते हो तो करो जी। तो हमने वहाँ पे जो स्टेशनरी गिफ्ट होती है, स्टेशनरी की सारी आइटम है वहाँ पे, उनको मतलब जो बच्चों थे स्कूल के जो बच्चे हैं उनको वितरण किया था जी। ऐसा बहुत से कारण है जी, बहुत ही अच्छी बात है, ऐसे आपके विचार भी बहुत अच्छे हैं और आप काम भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो आगे चल के मैं शुभेच्छा देती हूँ आप सबको कि आपकी संस्था बहुत ही आगे चले, आगे चले मतलब कहने का मतलब है कि आप समाज के लिए बहुत ही अच्छा कार्य करें, वो इम्पोर्टेंट है। सो बहुत बहुत बधाई देती हूँ आप सबको, क्योंकि अभी तक जो भी कार्य आपने किए हैं अपने निस्वार्थ भाव से किए हैं, उसमें से कुछ मिले ना मिले वो आपने नहीं देखा है, खुद के पैसे देके आपने सबके लिए मदद की है, तो ज़रूर से आपको भी लोग मदद करेंगे और आपकी संस्था चलेगी और आप कार्य भी अच्छे करते रहेंगे। लेकिन एक बात और पूछना चाहती हूँ कि जो लोगों को आप यात्रा के लिए लेके जाते हो, सपोज वो सीनियर सिटीजन है या इतने एज वाले हैं, तो उनको किस तरह की फैसिलिटीज देते हो, क्योंकि वो बहुत मायने रखता है। आज कोई भी हो,
सबको यात्रा करने का मन होता है एज होने के बाद ही, क्योंकि हम यंग होते हैं तब तो हमारे पास टाइम नहीं होता है। आज की जनरेशन की बात कर रही हूँ, तो जैसे भी 50 साल के ऊपर के किसी से चला नहीं जाता है, किसी के प्रॉब्लम बैक प्रॉब्लम होती है किसी को, मतलब बहुत सारी एजेड लोगों को प्रॉब्लम होती है, तो उनको आप किस तरह की फैसिलिटी देते हो कि वो यात्रा कर सके? सबसे पहले इसमें क्या होता है, जैसे सीनियर सिटीजन लोग हैं तो उनमें सबसे पहले हमारे यहाँ से 4 चीज़ें दी जाती है। जी उसमें सबसे पहले ट्रेन होती है, तो जी ट्रेन में कंपलसरी सीट उनको नीचे की मिलती है, जैसे कि उनको ऊपर चढ़ने की प्रॉब्लम ना हो। जी दूसरा, हम गुजराती खाना देते हैं जो यहाँ पे सबसे मस्ट है। जी वहाँ पे उन लोगों को जो सीनियर सिटीजन्स होते हैं उनको बाहर का खाना नहीं चलता, उनको घर का खाना चाहिए, बिल्कुल सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस उनको रहता है। जी उसके बाद में हमारे तरफ से एक मेडिकल किट भी जाती है, जिनको कोई प्रॉब्लम है तो वहाँ पे हमारे कार्यकर्ता हमारे कर्मचारी को बोल के वहाँ पे मदद ले सकते हैं। उनके बाद में जहाँ पे जरूर पड़ती है वहाँ पे हमारे कार्यकर्ता आधी रात को आप बोलो तो रेडी रहते हैं। उसके बाद में सबसे बड़ी चीज़ जो आज मतलब हमारे हिसाब से कोई नहीं ये चीज करता, जो धार्मिक यात्रा कर रहे हो तो वो जगह का महत्व, वो जो स्पेस है जो प्लेस है उधर का महत्व आपको पता होना चाहिए, बिल्कुल उनकी छोटी मोटी जानकारी आपके पास में होनी चाहिए। बिल्कुल, ये सबसे पहले हम करते हैं। मतलब यात्रा के दौरान यात्रा में लेके जाते हैं वहां पे आप ये करते होंगे? एग्जैक्टली जहाँ पहुंचे हैं, अब हम पहुंचने वाले कोई जगह पे तो वहां पे उनकी मतलब वहां पे जगह से पहुंचने से पहले ही आपको वो जगह के बारे में मैं नॉलेज दे दूंगा। जैसे ये सीनियर सिटीजन्स होते हैं तो उनको पहले ही मैं ये जगह का नॉलेज दे देता हूँ, ताकि वो वहां पे जाके उनको कोई तकलीफ ना पड़े। बिल्कुल उनको सीधा पता है कि मुझे ऐसे जाके ऐसे जाना है तो ये आ जाएगा। ये एग्जैक्टली कार्य हम करते हैं। बहुत ही अच्छी बात है। आपके साथ कितने लोगों की टीम जुड़ी होती है जब आप यात्रा पे लेके जाते हो, तब की बात कर रही हूँ मैं? हमारे यहाँ से एक कर्मचारी यात्रा पे जाता है तब जुड़ा रहता है, ऑल्टरनेटिव सारे कर्मचारी ऑन फोन रहते हैं। जी आपको जब भी कहीं पे भी कोई जरूरत पड़ी जी तो इन आवर कोई भी कर्मचारी वहां पे पहुंच सकता है इन आवर। और उसके बाद में विविध जगह पे हमारे कर्मचारी अवेलेबल रहते हैं। टूर के दौरान कितने लोग रहते हैं? जब टूर या होते हैं, क्योंकि सीनियर सिटीजन होते हैं तो उनको संभालने के लिए आपके कितने लोग जाते हैं साथ में? यात्रा के दौरान 4 से 5 आदमी हमारे अवेलेबल रहते हैं जी, एक यात्रा के दौरान। बहुत ही अच्छी बात है। अभी रश्मिकांत जी को मैं बोलना चाहूंगी, क्योंकि फाइनेंस आप देखते हैं, तो डोनेशन अगर आपको चाहिए तो आप हमारे मतलब चैनल के द्वारा आप अपील कर सकते हो। तो कैसे आपको डोनेशन लेते हो आप, तो वो सब जानकारी आप दीजिए। अभी तो हम छोटे लेवल पे काम चालू है, तो हमारे ट्रस्टियों का कंट्रीब्यूशन से ही काम चलाते हैं। लेकिन अभी आगे सबसे अनुरोध है कि जब समाज सेवा का और सोशल कुछ अच्छा काम हो रहा है तो उसमें आपको सबको आप सबको कंट्रीब्यूशन करना चाहिए। आप चाहे तो हमारा फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी पे आप इंक्वायरी कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं, और आप अच्छे से अच्छा कंट्रीब्यूशन करके समाज सही सेवा जी, के अच्छे काम में आप सही कंट्रीब्यूट करिए। जी। तो आप नंबर बता दीजिए सबको कि कौन से नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। जी नंबर मैं बताना चाहूँगा, नंबर है 9558618543 और सेकेंड नंबर है 9558618538। मैं बस एक और बार बता देता हूँ, 9558618543 और 9558618538। और हमारी ईमेल आई जी, डी इस हमारे संस्था के बारे में अगर जानना है तो आपकी कोई वेबसाइट है तो वो भी बता दीजिए। जी हमारी वेबसाइट है bhavyajyoti.http.business.in और हमारा जीमेल आईडी भी है shrivavyajyoti93@gmail.com। मतलब सूरत से नहीं, पूरे इंडिया से या तो पूरे वर्ल्ड से आप अगर डोनेशन देना चाहते हैं तो जरूर से ये भव्य ज्योति चैरिटेबल ट्रस्ट का
संपर्क करिएगा। अगर आप कुछ सेवा का कार्य खुद नहीं कर सकते हैं तो किसी के द्वारा करवाइए तो वो भी अच्छा रहता है। सो ऐसे ही हम और कार्यक्रमों के साथ आपके साथ जुड़े रहेंगे, लेकिन हमारे चैनल के साथ अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो ज़रूर से हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे वेबसाइट पे भी विजिट करिएगा और हमारे साथ जुड़े रहिएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, ऐसे ही आपने बहुत अच्छी जानकारी दी हमारे दर्शकों को, और दर्शकों को भी आज शायद जो समाज कार्य नहीं कर रहा है उनको भी आज आप लोगों को देख के शायद कुछ करने का मन हो जाए। तो ऐसी शुभेच्छा देती हूँ आप सबको वापस एक बार, और एक संदेश हमारे दर्शकों के लिए आप कुछ दे दीजिए। हमारे तरफ से बस सिर्फ एक ही चीज, जितना हो सके लोगों की मदद कीजिए, जितना हो सके, आपसे नहीं हो रहा है तो हमसे कांटेक्ट कीजिए, हम मदद कर रहे हैं। हमारे जो इस एक विचार है, विचार को आगे बढ़ाइए, हमारे इस कार्य है, हमारे कार्य को आगे बढ़ाने में हमारी मदद कीजिए, जैसे कि हम आगे से आगे और कार्य कर सके। और बस हम एक ही चीज आखिर में बोलना चाहते हैं, बोलो जिन शासना देव की जय। थैंक यू सो मच, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।